हेलो एवरीवन, दिस इज रानी शर्मा। हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आई होप यू ऑल आर फाइन। चिल्ड्रेन, टुडे इज स्टडी अबाउट चैप्टर 7 ऑफ वैल्यू बुक। ओके, ओनली वन चैप्टर इन दिस मंथ। दिस इज योर अगस्त कोर्स रिटन हेयर। चिल्ड्रेन प्लीज ज्वाइन फास्ट। क्लास 3 ज्वाइन फास्ट। चिल्ड्रेन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल डू सम डिफिकल्ट वर्ड्स। सो सम वर्ड्स रिटन हियर। ओपन योर बुक चैप्टर 7 पेज नंबर 30। चिल्ड्रेन प्लीज ज्वाइन फास्ट। हरी अप। पेज नंबर 30। ओपन योर वैल्यू बुक। टू पैरट। ओके, सी एल लिसन वेरी केयरफुली। गुड कंपनी मीन्स अच्छी संगति। ओके, अ मैन इज। चिल्ड्रेन नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जयान अथर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओपन योर बुक पेज नंबर 30। लुक हियर, चैप्टर 7, टू पैरट। ओके, ओनली वन चैप्टर इन दिस मंथ। आई विल टीच यू चैप्टर 7 ऑफ वैल्यू बुक। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट द रीडिंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। संगति से जाना जाता है जिसमें वो रहता है, या फिर एक आदमी उस कंपनी द्वारा जाना जाता है जिसे वो रखता है, राइट? वी आर शेप्ड बाय आवर एनवायरमेंट एंड नोन बाय द कंपनी वी कीप। हेंस वी शुड केयरफुली चूज आवर फ्रेंड्स एंड कंपनी। जैसे एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं वैसे ही हम ढलते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। और बाय द कंपनी वी कीप, और कंपनी द्वारा जाना जाता है, इसलिए हमें ध्यान से, हेंस वी शुड केयरफुली चूज आवर फ्रेंड्स एंड कंपनी, इसलिए हमें ध्यान से अपने दोस्तों और कंपनी का चुनाव करना चाहिए, राइट? सो हेयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। मर्चेंट, सडनली, क्यूरियोसिटी, Now let's start the reading. In a village, there lived a merchant. He used to go to far off places to sell his goods. One day on his way back home, he felt very tired and sat under a tree. Suddenly he heard a voice, "I will cut you into pieces. I will catch you and eat you." The man was quite shocked to hear this word. He looked up and saw a beautiful parrot sitting on the branch of a tree. The words disturbed the merchant so much that he got up from there and sat under another tree. So he surprised, when the merchant looked up, he saw another parrot sitting on the branch. The parrot spoke very politely and said, "Come sit here. Would you like to eat a fruit of this tree?" The merchant was quite shocked, as there had been two similar looking parrots speaking in different ways. एक गांव में एक मर्चेंट रहता था, एक व्यापारी रहता था। राजवीर निधि, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रिमजी मोसो, गुड मॉर्निंग। एक मर्चेंट रहता था, वो अपने कुछ सामान के लिए, सामान बेचने के लिए
वो बहुत दूर गया था और एक दिन वो जब बैक हो रहा था अपने घर के लिए तो बहुत थक चुका था और एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, हर्ड। हर्ड मीन्स सुना, हियर का पास्ट हर्ड। उसने सुना, आई विल कट यू इंटू पीसेस, तुमको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुमको मैं खा जाऊंगा। और मैन ने उसकी आवाज़ सुन के शॉक्ड रह गया। तो उसने देखा, इधर उधर देखा, तो उसने देखा है, वो सरप्राइज रह गया। और इतने में वो क्या किया, वो दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसको फिर एक दूसरा तोता जो था वो बैठा हुआ था पेड़ पे, वो बोल रहा था, कम सिट हियर, यहाँ बैठो और तुम इस पेड़ का फल खाओ, राइट। तो मर्चेंट शॉक्ड रह गया कि दोनों देखने में एक जैसा है बट दोनों का साउंड डिफरेंट क्यों है, वॉइस डिफरेंट क्यों है। जस्ट देन द सेकेंड पैरट फ्लू अवे, और दूसरा जो पैरट था जिसने कहा था कि तुम आओ बैठो और इस पेड़ का फल खाओ, वो इतना बोल के वो उड़ गया। द मर्चेंट फॉलोड द बर्ड आउट ऑफ क्यूरियसिटी, ही सॉ द बर्ड फ्लाइंग टू वॉर्ड्स एन आश्रम वेयर अ सेंट वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। वेन द मर्चेंट रीच्ड देयर द सेंट ओपेंड हिज आईज एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज देयर। द मर्चेंट टोल्ड द सेंट द स्टोरी अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद द टू डिफरेंट पैरट एंड हाउ सरप्राइज्ड ही वॉज। क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी मीन्स मीन्स जिज्ञासा या जानने की इच्छा, जिज्ञासा। क्यूरियसिटी मीन्स जिज्ञासा, जानने की उसको इच्छा हुई कि देखते हैं ये पैरट कहाँ जाता है। तो उसने देखा वो कहाँ चला गया, एक सेंट के आश्रम में, एक साधु थे, एक महात्मा थे, उनके आश्रम में चला गया। और वहाँ पहुँच के वो देखा कि सेंट जो थे वो आँख बंद करके अपना कुछ तपस्या वगैरह कर रहे थे। आइस तो उन्होंने आँख खोला तो देखा सामने मर्चेंट है। तो उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उसने बताया, वो सारी स्टोरी बताई कि ये ऐसे ऐसे मैंने दो पैरट का आवाज़ सुना। He asked the saint to explain him about the different behavior. The saint said, dear child, the two parrots were born to the same mother but were brought up in different environment. उसने पूछा, उसने एक्सप्लेन किया कि दोनों देखने में एक जैसा है बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है। ओके, तो सेंट साधु जो थे वो बोले कि मेरे बच्चे, ये दो पैरट दोनों एक ही माँ से जन्म लिए हैं लेकिन दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, राइट। वन वॉज कैप्चर्ड बाय अ हंटर एंड टेकन होम व्हाइल द अदर स्टेड इन द गार्डन ऑफ द आश्रम विथ मी। द पैरट दैट लिव्ड विद द हंटर लर्न द वर्ड्स यूज्ड बाय हिम, हंटर मींस शिकारी, हंटर शिकारी जो शिकार करता है, एनवायरनमेंट मींस वातावरण। द पैरट दैट लिव्ड विद द हंटर लर्न द वर्ड्स यूज्ड बाय हिम। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड पैरट हु लिव्ड विद me learned the gentle words used by me or the language spoken in the ashram. So my dear son, we learn good or bad things from the environment or the company in which we live and this shapes our behavior. Usse sant ne kaha ki ye dono parrot ek hi maa se janam liye hain lekin dono alag alag pal alle alag environment mein pale badhe hain. एक कहाँ फर्स्ट पैरट कहाँ चला गया था, उसको हंटर ने कैप कर लिया था, पकड़ लिया था, और दूसरा जो पैरट था वो आश्रम में चला गया था, वो संत के पास रहता था। तो जो अच्छे लोगों को साथ के साथ रहता है वो अच्छा बनता है,
और जो बुरे लोगों के साथ रहता है उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है. द मर्चेंट देन अंडरस्टूड दिस एंड आफ्टर टेकिंग द सेड ब्लेसिंग वेंट अवे टू हिज होम. ही लर्न्ड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस दैट वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सपोज टू गुड और बैड एनवायरमेंट. दे टेंड टू लर्न थिंग्स बट एज मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर एनिमल्स ही शुड पिक अप ओनली द गुड एंड रिजेक्ट द बैड. मर्चेंट समझ गया और अपने एक्सपीरियंस से वो क्या किया, वो सारी बातें वो समझ गया और वो सेंट का ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद. और वो ब्लेसिंग सेंट का ब्लेसिंग लेकर के वो अपने घर की तरफ चला गया. उसने ये सीखा वो अपने एक्सपीरियंस से कि इंसान जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, गुड में रहेगा तो अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा तो अच्छा बनेगा, बैड इन्वायरमेंट में रहेगा तो बैड बनेगा. और उसने क्या किया, लेकिन मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर एनिमल्स. लेकिन इंसान क्या है, दूसरे जानवर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राइट? तो उसे क्या करना चाहिए, गुड को पिकअप करना चाहिए और बैड को रिजेक्ट करना चाहिए, राइट? हमें किसके साथ जाना चाहिए, हमें बैड के गुड के साथ जाना चाहिए और बैड को रिजेक्ट करना चाहिए. रिजेक्ट मीन्स अस्वीकार करना. सो कंप्लीट द स्टोरी चिल्ड्रेन. राजवीर, गुड मॉर्निंग. आई ऑलवेज बी इन गुड कंपनी टू बी अ गुड चाइल्ड. हमें अच्छी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए और हमें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, राइट? सो चिल्ड्रेन, राइट इन योर नोटबुक. फर्स्ट वर्ड इज मर्चेंट मीन्स व्यापारी. सडनली अचानक. हर्ड मीन्स सुना. क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, जानने की इच्छा. बिहेवियर व्यवहार. एनवायरमेंट वातावरण. हंटर शिकारी. नेक्स्ट ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद. ओके, टेंड TEND. टेंड मीन्स टेंड मीन्स होना या फिर झुकना. नोट डाउन इन योर नोटबुक चिल्ड्रेन. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चिल्ड्रेन, आर यू रेडी? व्हाट डिड द मर्चेंट सी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री? टेल मी चिल्ड्रेन, गिव योर आंसर. व्हाट डिड द मर्चेंट सी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री? मर्चेंट ने एक पेड़ पर क्या देखा? प्लीज रिप्लाई. क्या देखा रिमझिम? Tell me the answer. Merchant ने क्या देखा? The merchant saw a parrot. क्या देखा था? एक तोता बैठा हुआ था. Sitting on the branch of a tree. A parrot. Yes. Jayanathar. Your answer is correct. A parrot. Okay. First question, what did the merchant see sitting on the branch of a tree? Two parrots. पहले एक पैरट एक पेड़ पर देखा था.
What is the emergency sitting on a branch of a tree? A tree, okay? The merchant saw, write your answer in notebook. First, the merchant saw a parrot. The merchant saw a parrot sitting on the branch of a tree. A parrot, फिर बीच में आपको जोड़ना है branch of tree. Now next question, where did the other parrot fly to? दूसरा parrot कहाँ उड़ के चला गया था? Tell me. Children, give your answer. Where did the other parrot fly to? दूसरा parrot कहाँ उड़ के गया था? Tell me anyone, Rim Jim. Okay. The other parrot flew to an ashram. कहाँ उड़ के चला गया था? आश्रम में दूसरा वाला पैरट. टू अदर पैरट फ्लू, फ्लाई का पार्ट फ्लू टू एन आश्रम. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैड कैप्ट द फर्स्ट पैरट? फर्स्ट पैरट को कौन पकड़ा था, कौन रखा था फर्स्ट पैरट को? टेल मी एनीवन. Children, first parrot को किसने रखा था, कौन रखा था? Who had kept the first parrot? The hunter had kept the first parrot. Okay? A hunter kept the first parrot. A hunter kept the first parrot. Okay. Now fourth question is, what did the merchant take from the saint? Saint say, merchant ne kya liya? क्या लिया था? टेल मी रिम जिम, टेल मी. आशीर्वाद लिया था, ब्लेसिंग्स लिया था, राइट? फोर्थ, द मर्चेंट took blessings from the saint. Okay, the merchant took blessings from the saint. Blessings liya tha, ashirwad liya tha. Now fifth question is, which behavior should we pick up, good or bad? हमें कौन सा behavior को pick up करना चाहिए, good or bad? Tell me first. Which behavior should we pick up, good or bad? We should pick up a good behavior. Right? Good. Very good, Jayan. Okay. हमें good behavior को pick up करना चाहिए, right?
Now fifth question. Which behavior should we pick up, good or bad? Fifth, we should pick up a good behavior. We should pick up a good behavior. Okay. Children, do you have any problem? Please tell me. Children, have you done? Now page number 33. No, ma'am. Very good, Dayan. Okay, page number 33. Group B, write no in front of the statement we should try to avoid. Okay? First, आपको नो या यस देना है आपको. ओके, इस स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें यस और नो आपको बताना है. राइट, वी शुड लाइक लायर्स. लायर्स मीन्स झूठा, झूठ बोलने वाला. लायर्स, वी शुड लाइक लायर्स. नो, वेरी गुड जयान, वेरी गुड, वेल डन बेटा. वी शुड लाइक लायर्स, हमें झूठे को पसंद करना चाहिए. नो, वेरी गुड, नो. चिलन, हैव यू डन? सूर्यांश भास्कर, गुड मॉर्निंग. वी शुड लाइक लायर्स. ऐसे इसका पीडीएफ जाएगा, डोंट वरी. वी शुड लाइक लायर्स. ओके, नो. फर्स्ट बी ग्रुप वन, नो. झूठे को पसंद नहीं करना चाहिए. वी शुड लाइक ट्रूथफुल पर्सन, वेरी गुड. वी शुड लाइक ट्रूथफुल पर्सन, यस. हमें सच्चे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को पसंद करना चाहिए. राइट, टू यस. फर्स्ट इज नो, सेकेंड इज यस. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, टीजिंग अदर इज गुड. दूसरों को चिढ़ाना चाहिए, टीजिंग अदर इज गुड. क्या ये अच्छा है दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को टीज करना चाहिए? यस और नो चिल्ड्रेन? नो, वेरी गुड राजवीर. ओके, टीजिंग अदर इज गुड. नो. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. Always respect your elders. बड़ों को हमेशा सम्मान करना चाहिए. ओके, टेल मी एनी वन. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. यस, वेरी गुड. ओके. यस, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए. राइट, Stealing something is good. Stealing means, children, tell me, stealing means? Tell me children, stealing. Chori karna, achhi baat hai? No, very good, Jayan. Fifth is no. Okay, chori karna बुरी बात है. राइट, यस जयान अथर. ओके, स्टीलिंग समथिंग इज गुड, वेरी गुड. नो, फर्स्ट नो, सेकेंड यस, थर्ड नो, फोर्थ यस एंड फिफ्थ
is no. Okay. My actions. First, आपको इसमें दो options हैं. इसमें आपको एक में टिक करना है. We should make a friend who is rich but a liar, poor but truthful. हम लोग को कैसा दोस्त बनाना चाहिए? जो रिच हो, जो धनी हो और झूठ बोलता हो, झूठ बोलने वाला, और poor but truthful, very good. Poor हो लेकिन वो सच्चा हो, ईमानदार हो, right? तो आप टिक करोगे poor but truthful. Okay. We should follow only enjoyable या फिर right decisions. हमें कैसा फॉलो करना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, राइट या फिर इंजॉयबल? राइट. वेरी गुड ज़ियान. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, स्पीकिंग इज अ साइन ऑफ गुड कंपनी. स्पीकिंग पोलाइटली और र्यूडली, हमें कैसा बोलना चाहिए? र्यूडली बोलना चाहिए या फिर पोलाइटली बोलना चाहिए? विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए या फिर र्यूडली बोलना चाहिए? ओके. साइन ऑफ अ गुड कंपनी एक अच्छे संगति की निशानी है, एक अच्छे कंपनी की निशानी है जो पोलाइटली बोलता हो. ओके ज़ियान, पोलाइटली, वेरी गुड. स्पीकिंग पोलाइटली इज अ साइन ऑफ गुड कंपनी, राइट. नाउ फोर्थ, गुड कंपनी और बैड कंपनी ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. गुड कंपनी और बैड कंपनी ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. गुड कंपनी, tell me anyone, good company or bad company always gives a positive result. कौन सा positive result देता है, good company या फिर bad company? Good company always gives a positive result. ये हमेशा positive result देता है. Okay. So tick the good company. Okay, Suryansh Bhaskar, your answer is correct. Good company, very good. So children, all parts are completed of our October course. We will meet you next class, okay?